अस्सलाम वालेकुम क्लास 8, आई एम योर ड्राइंग टीचर मिस यूसरा फ्रॉम हिना स्कूल। उम्मीद है आप सब स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। क्लास 8, इट्स योर ड्राइंग बुक आर्ट स्किल्स। ओपन योर बुक पेज नंबर 16। स्टूडेंट्स, इट्स योर पेज नंबर 16, ड्रॉ एन एक्सपेरिमेंट ऑफ फिल्ट्रेशन। आप लोग अब ड्रॉ करने स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, टू स्ट्रेट लाइन थोड़े से डिस्टेंस के बाद सेकेंड स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ऊपर से इसको ज्वाइन करेंगे राउंड शेप में। ये हम स्टैंड ड्रॉ कर रहे हैं। ये ड्रॉ करने के बाद अब हम थोड़े से डिस्टेंस छोड़ के नीचे के से हम टू लाइंस ड्रॉ करेंगे राउंड शेप में, एक दूसरे को ज्वाइंट करेंगे। अब दूसरी तरफ राउंड करके इसको ज्वाइंट करेंगे। अब हम इसमें कर्व लाइन ड्रॉ करेंगे, स्केल की मदद से टू कर्व लाइन ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद हम आगे के हिस्से में थोड़ा राउंड लाके नीचे वाले लाइन को ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने से पहले अब हम ऊपर का पार्ट बनाएंगे। कर्व लाइन ड्रॉ की, ऊपर से ओवल शेप ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से आप लोगों को ये ड्रॉ करनी है। अब हम इसको ज्वाइंट करेंगे। अब नीचे का हिस्सा बनाएंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद नीचे से राउंड शेप। इतना ड्रॉ कर लिया। अब हम इसके बाद बी कर ड्रॉ करेंगे, सेकंड राउंड सेकंड लाइन अंदर की तरफ ड्रॉ करेंगे। अच्छी तरीके से नीट एंड क्लीन ड्रॉ कीजिएगा। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, अब इसको हम ज्वाइंट करेंगे। इस तरीके से ज्वाइंट किया। अब हम इस ट्रेंड के नीचे का पार्ट बनाएंगे रेक्टेंगल शेप में। रेक्टेंगल शेप हम बिल्कुल स्ट्रेट नहीं बनाएंगे। कर्व लाइन ड्रॉ कर ली। अब हम नेक्स्ट लाइन ड्रॉ करेंगे ऊपर की तरफ। इस तरीके से आपकी डायग्राम ड्रॉ हो गई है। अब हम शेडिंग करेंगे डायग्राम के अंदर। जहाँ लाइट शेडिंग है वहाँ लाइट, और जहाँ डार्क शेडिंग है वहाँ हम लोग डार्क शेडिंग करेंगे। बिल्कुल प्रॉपर नीट एंड क्लीन तरीके से आप लोगों को शेडिंग करनी है। इस तरह हमने पहले स्टैंड में शेडिंग करनी है। इस तरह हम पूरी डायग्राम में शेडिंग करेंगे। मैं आपको दोबारा बता दूँ, जहाँ लाइट वहाँ लाइट, जहाँ डार्क वहाँ डार्क, कि आप लोगों की शेडिंग कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट डायग्राम है ड्रॉ अ पार्ट्स ऑफ फेस। हम फेस के पार्ट्स ड्रॉ करेंगे, आईज, नोज, लिप, ईयर। फर्स्ट हम आई
ड्रॉ करेंगे फ्रंट साइड आई की, यानी कि सामने किस साइड। इस तरह हमने कर्व लाइन ड्रॉ की, फिर राउंड, फिर नीचे की तरफ ले आए, फिर हमने कर्व लाइन ड्रॉ की उसे ऊपर की तरफ लेके नीचे की तरफ ले आए। अब हम नीचे के साइड राउंड लाइन ड्रॉ करेंगे और उसे ज्वाइन कर देंगे सेकंड लाइन में। अब नीचे से हम सेकंड लाइन एक और ड्रॉ करेंगे इसी तरह जैसे हमने थर्ड लाइन ड्रॉ किया राउंड, एंड फिर ऊपर से कम डिस्टेंस देने हैं। अब हम सर्कल ड्रॉ करेंगे आई के अंदर, एक सर्कल ड्रॉ करा, उसके बाद छोटा सर्कल अंदर, उसे पेंसिल से कलर किया, लाइंस ड्रॉ की छोटी बड़ी छोटी बड़ी। इस तरीके से आप लोगों की ये आई ड्रॉ हो गई, ये आप लोगों की आई ड्रॉ हुई है। फ्रंट ऑफ द आई, आई के सामने का हिस्सा हमने ड्रॉ किया है। अब हम साइड वाला पार्ट ड्रॉ करेंगे आई का, ऊपर से राउंड, फिर नीचे से कर्व लाइन छोटी सी, उसके बाद छोटी सी कर्व लाइन, फिर नीचे की तरफ लाएंगे लाइन इस तरीके से। अब इसके बाद नीचे से लाइन ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और इसे ज्वाइन करेंगे। सेंटर का हिस्सा बनाने के बाद नीचे का हिस्सा बनाएंगे हम। एक लाइन ड्रॉ कर दिए, अब उसके नीचे भी ड्रॉ करेंगे, उसके अंदर हम आई बॉल बनाएंगे, उसको हम पेंसिल से ही कलरिंग करनी है। इस तरीके से हमने आई बॉल बनाई, उसको पेंसिल से कलर कर लें। इस तरीके से कलर कीजिए पूरे आई बॉल में। यह आपकी साइड की आई ड्रॉ हो गई। साइड ऑफ द आई। अब हम नेक्स्ट अपनी नोज ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट हम स्ट्रेट कर्व, थोड़ी सी कर्व लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर नीचे से कर्व लाइन। अब हम ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे, नीचे से ड्रॉ करेंगे, राउंड किया, फिर नीचे की तरफ लाए, लाइन के नीचे आके हमने उसको राउंड कर दिया। इसके बाद अब हम अंदर से राउंड करेंगे ऊपर की लाइन से, फिर नीचे से लाएंगे, फिर सेकेंड साइड की तरफ जो लाइन है उसके नीचे ड्रॉ करेंगे। अब सेकेंड साइड पे आ जाइए, हमने ऊपर से ड्रॉ किया, फिर उसको राउंड किया और नीचे की तरफ लाके जॉइंट नहीं करना है इसको, ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब ऊपर हम राउंड शेप ड्रॉ करेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ हम चौड़ाई में लाएंगे। ये हमारी नोज ड्रॉ हो गई। ये है फ्रंट ऑफ द नोज, नोज के सामने का हिस्सा है ये। अब हम नोज के साइड का पार्ट बनाएंगे। कर्व लाइन ड्रॉ करेंगे हम स्केल से, ऊपर से नीचे की तरफ, फिर नीचे ऊपर से नीचे की तरफ लाइन एक और कर्व ड्रॉ करेंगे।
अब हम लाइन के राइट साइड से की तरफ लाएंगे राउंड शेप और लाइन के नीचे की तरह नीचे से थोड़ा सा बनाएंगे। अब सेकंड उसके ऊपर से राउंड लाएंगे इसी तरह, लाइन के ऊपर रोकेंगे और लाइन के नीचे लाइन ड्रॉ की, फिर इसको राउंड करके लाइन पे आके रोक दिया। इसके बाद लेफ्ट साइड से हम ऐसे ऊपर की से नीचे की तरफ राउंड करेंगे, फिर उससे ऊपर नीचे की तरफ राउंड करेंगे। अब कर्व लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। ये हमारी ड्रॉ हो गई साइड ऑफ द नोज, लोअर साइड ऑफ द नोज। अब हम ड्रॉ करेंगे लिप्स। अब हम लिप्स ड्रॉ करने स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ऊपर का हिस्सा बनाएंगे, कर्व लाइन, राउंड एंड कर्व। अब सेकंड लाइन बनाएंगे ऊपर से कर्व, फिर राउंड, उसको फिर ज्वाइन कर देंगे ऊपर वाली लाइन से। अब लिप के नीचे का पार्ट बनाएंगे, वो टोटली हम राउंड बना के ऊपर की तरफ ले जाएंगे। ये हमारा लिप ड्रॉ हो गया। फ्रंट ऑफ द लिप, अब हम सेकंड लिप ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ की, उसे कर्व किया, नीचे की तरफ ले आया, अब फिर लाइन ड्रॉ की, उसे राउंड किया और फर्स्ट वाले से ज्वाइंट कर दिया। फिर नीचे की तरफ लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर कर्व लाइन, फिर ऊपर की तरफ ज्वाइंट कर देंगे कॉर्नर से हम। लाइन ड्रॉ कर देंगे नीचे की तरफ साइड ऑफ द लिप्स। लिप्स हमने दोनों ड्रॉ कर लिए। अब हम आएंगे एयर की तरफ। ऐसे हमने एयर की शेप ड्रॉ की, अब हम अंदर से एयर की शेप ड्रॉ कर रहे हैं। नीचे की तरफ लाएंगे, ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, फिर कर्व लाइन, फिर ज्वाइन कर देंगे सेकेंड लाइन से, वी शेप बनाएंगे, फिर उसके आगे हम नीचे की तरफ लाएंगे लाइन, फिर राउंड बना देंगे। इस तरीके से राउंड ले जाके ऊपर की तरफ ऐसे कर देंगे। ये हमारा एयर ड्रॉ हो गया फ्रंट ऑफ द एयर। अब हम सेकंड एयर की तरफ आएंगे, साइड साइड एयर का ड्रॉ करेंगे, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ लाएंगे, फिर स्ट्रेट लाइन, फिर कर्व, फिर ऊपर की तरफ राउंड। इस तरह सेकंड लाइन ड्रॉ करेंगे और पीछे का साइड ड्रॉ करेंगे एयर के। इस तरीके से ड्रॉ किया बैक ऑफ द एयर। हमने ड्रॉ की आई, नोज, लिप एंड एयर। अब हम अपनी नेक्स्ट डायग्राम के ऊपर आते हैं, ड्रॉ ऑफ फ्रेंच फ्राइज। फ्रेंच तरीके से आप लोगों को फ्रेंच फ्राइज ड्रॉ करने हैं। अब हम ड्रॉ करने स्टार्ट करते हैं फ्रेंच फ्राइज। फर्स्ट हम कर्व लाइन ड्रॉ करेंगे नीचे,
curved and round line. फिर दोनों साइड हम curved line draw करेंगे equally. इस तरह draw किया हमने. उसके बाद ऊपर की तरफ दोनों साइड हम small straight line draw करेंगे, छोटी straight line. फिर नीचे से दोनों तरफ curved line draw करेंगे, थोड़ी सी टेढ़ी लाइन. उसके बाद हम स्केल से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, दोनों कॉर्नर्स को आपस में मिला देंगे. ऐसे हमने ज्वाइन कर लिया. अब हम अपने फ्रेंच फ्राइज ड्रॉ करेंगे, ऊपर से स्ट्रेट लाइन, फिर कर्व लाइन, नीचे से कर्व लाइन, फिर दोबारा से कर्व लाइन ड्रॉ करके नीचे की तरफ ले आएंगे. इस तरीके से हम सारे फ्रेंच फ्राइज ड्रॉ करेंगे, छोटे बड़े करके ड्रॉ करेंगे इस तरीके से. आप लोगों को फ्रेंच फ्राइज ड्रॉ करने हैं. अब हम अंदर पहले नीचे से राउंड शेप ड्रॉ किया, दो राउंड लाइन सेंटर में, फेस बनाएंगे हम. ये हमने ड्रॉ कर लिए फ्रेंच फ्राइज. इस तरह आप लोगों को ब्लैक मार्कर से आउटलाइन करनी है इसमें, और येलो, रेड एंड ब्राउन कलर करना है. हमने फर्स्ट डायग्राम थी एलिमेंट ऑफ फिल्ट्रेशन, हमारी सेकंड डायग्राम थी आई, नोज, लिप एंड एयर. हमारी थर्ड डायग्राम थी फ्रेंच फ्राइज. जो हमारी फर्स्ट डायग्राम थी एक्सपेरिमेंट ऑफ फिल्ट्रेशन, ये आप लोगों को बुक में भी करनी है एंड वाइट कंप्यूटर पेपर में भी. और जो हमारी सेकंड डायग्राम थी आई, नो, लिप एंड एयर और फ्रेंच फ्राइज, ये आप लोगों को वाइट कंप्यूटर पेपर पे ड्रॉ करनी है. आपका ये फर्स्ट टर्म का काम कंप्लीट हो चुका है. आप लोगों को इन सब चीज़ जितना काम करवाया गया है आप लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस करनी है. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.